एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 500 अरब डॉलर की इसराइल ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की आईटी सेक्टर, जो कि इसराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा। वी लव इंडिया, वी एडमायर इंडिया, वी बिलीव इन इंडिया एंड वी वांट दिस पार्टनरशिप ऑफ इंडिया। एक तो ये कि $8 बिलियन ये बताते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है और जिस तरह से इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है, ये लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपने ही अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर के रेस में भी शामिल हो, अभी भी कहा जा रहा है कि है। और भारत और इसराइल जो है वो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमने यहाँ पे बड़ी बात की कि जी ये इंडिया जो है वो इसराइल के साथ मिलके पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये एक तो हमें समझने की जरूरत है कि ये एक ट्रस्ट है जो उनके ऊपर दुनिया करे, और ये सिर्फ यूरोप नहीं कर रहा, मिडिल ईस्ट। अभिषेक जैद साहब आए थे, $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कहा था। इसराइल अमेरिका और इंडिया की कोलैबोरेशन बनने वाली है, ठीक है, आप उसमें क्या आप उनसे लड़ना चाहते हैं? मोदी वॉन्ट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर। लेकिन ये जो चीज है इसकी क्या वैल्यू है, और इंडिया इसराइल पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान में अब उस तरह नहीं देखी जाती जैसे पहले देखी जाती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक दाएं बाजू का जो तबका है वो इंडिया इसराइल नेक्सस को समझता है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया इसराइल के 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है, इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हेड करते हैं, उन्होंने तकरीबन 8,000 करोड़ की जो आर्म फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन प्लान तैयार किया है जिसे मेक इन इंडिया कह रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं जी के बड़े पैमाने पे। ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इन्होंने इसी कल इस चीज को किया है कि जी हमें जो जो डोमेस्टिक जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आना है कि 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करनी है व्हेन इट कम्स टू मेक इन इंडिया, इंटरनल डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो करनी है वो इंटरनल करनी है, बाहर से वो जो क्योंकि बड़े बड़े बिल्स देने पड़ते हैं, राफेल खरीदने पड़ते हैं, तो और इंडिया अपने आप को ये कह रहा है कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से। अच्छा, अब ये जो है कि इंडिया को पता है कि हमने अगर 8,000 करोड़ रखा हुआ है डिफेंस के लिए तो उसके लिए वो जेवीज करने पड़ते हैं, जॉइंट वेंचर करने पड़ेंगे, या किसी के साथ अगर प्रोक्योरमेंट करनी है, प्रोडक्शन करनी है, रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट होगी, तो वो समझते हैं इसराइल इज द मोस्ट सुटेबल कंट्री फॉर देम। और इसके लिए जो इंडियन मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने इसराइल पिछले हफ्ते भी विजिट किया है और इस हवाले से उन्होंने इसराइलियों से मुलाकातें की हैं और जो इनके ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हैं उनमें ये चीजें डिस्कस हुई हैं। अब अगर इंडिया चाहता है कि जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हो हमारे साथ इसराइल करे, ताकि जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इंडो पैसिफिक में इंडिया को देखने पड़ रहे हैं या मिडिल ईस्ट में है, उसके लिए इंडिया को, इंडिया में एक चिप प्लांट, चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इसराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, और इसराइल की एक कंपनी की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इसराइल की तरफ से, ये खबर आ रही है। और इसमें यह है कि टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड वो ये चाहती है कि ऐसे कोई काम किया जाए और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इसराइल की, जो कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली टावर कंपनी है। और उसमें उसमें जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि 65 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर चिप्स, और काफ़ी इसके अंदर डिटेल्स मौजूद हैं क्या क्या। अच्छा, अभी तक ये है कि इसमें कंपनी ने इंडियाज आईटी मिनिस्ट्री जो है उसको ये सबमिट किया है, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया अभी। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक तो ये कि $8 बिलियन ये बताते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपने ही अलग इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। अगर आप जानते हो इसकी हिस्ट्री, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और कहा यह जाता है कि
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। और मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई जिसमें उनका कहना है कि मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर। मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। अच्छा, उसमें उनका कहना यह है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ऐसी जो सीजिंग ऑन द वर्ल्ड डिजायर टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना एंड इज ऑफरिंग बिलियंस टू बिल्ड एन एंटायर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ऑन वास्ट एम्प्टी प्लॉट्स। तो इसकी इसमें जाहिर है कि रिपोर्ट अगर हम इसके ऊपर बात शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है जो जो बताई गई है इसके अंदर। लेकिन देखिये इसमें ये कोई पहली इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, मतलब इंडिया में तो आए रोज इन्वेस्टमेंट हो रही है ना और होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन $8 बिलियन का अब इसराइल की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आना और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, चिप प्लांट्स वहां पर लगाना, इस सिलसिले में इंडिया इससे पहले और भी जो काम कर चुका है उस सिलसिले में इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो है वो $10 बिलियन इंसेंटिव जो है टू द इंडस्ट्री और यही चिप मेकिंग प्लांट जो है इसके लिए वो पहले ही मख्तस कर चुके हैं जिसमें। और उसकी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। और क्यों? क्योंकि जो चाइना है वो चिप मेकिंग एक हब कहा जाता है कि जी दुनिया भर का जो है वो इस तरह के प्लांट्स वहां पर मौजूद हैं और चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहां पर होती है। और दुनिया भर के जब भी जरूरत हो उनको तो वो किस तरफ देखते हैं, वो चाइना की तरफ देखती है दुनिया। लेकिन अब क्योंकि चाइना का ऑल्टरनेट इंडिया बन रहा है, बन गया है, बनता चला जा रहा है हर चीज में, जो भी हम देखते हैं बड़ी दुनिया में इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता ये चलता है कि ये अब इंडिया में की जा रही है जो कि पहले चाइना में की जाती थी। तो देखिए ये एक जाहिर है कि बड़ी वो है। अब ये तो अपनी जगह पर कि ये बिल्कुल होगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि उनकी तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा जब मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिया की, तो मैं आपके सामने यकीनन पेश करूंगी। लेकिन इसके अंदर बात यह है कि ऑब्वियसली पॉजिटिव जवाब होगा और वहां पर आप देखेंगे कि इंडिया में $8 बिलियन का चिप प्लांट जो है लगाया जाएगा। अब ये है तिकोन, ट्राइका। अब तिकोन का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तिकोन का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहां हम ही ग्रेट हैं। हाँ। तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। और इसके बीच में आंख डॉलर पे नजर आता है ना ये नक्शा। हाँ, हाँ। यानी कि आंख देख रही है तीनों को, आंख महफूज कर रही है तीनों को, आंख इनके माशी और मदनी मुफादात का तहफ्फुज कर रही है। वो आंख, वो एक आंख है जो दज्जाल की है। दज्जाल इक्वल टू दज्जाल दर हकीकत इबलीस का ही दूसरा नाम है। अखंड भारत, अखंड भारत का नक्शा, ये अखंड भारत आज से नहीं अरसा दराज से चल रहा है। 14 और 19 के अंदर ये जैक लगा इसराइल का, ये 2019 से 2023 में किसका जैक लगा? वो जैक था अरब जैक, अरब बादशाहों का जैक, जिन्होंने $100 अरब विजन 2030 के ऊपर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। ये चंद टके आने के बाद इन बनियों के इन इंतिया पसंदों की औकात भूल गए अपनी। इन्होंने ये पूरा पैसा मुसलमानों के कत्लेआम पे खर्च करना शुरू किया। वेल लेट्स फॉरवर्ड।